नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। तो चलिए बात करते हैं इस वक्त की मुख्य खबर की। आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई, जहां इस दिन पूरे देश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का भी आयोजन किया गया और इस कड़ी में बिरसा जिले के पठारी में भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय और अशासकीय स्कूलों के बच्चे इस सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लेने पहुंचे। बता दें, आज सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को योग शिक्षक बलराम सिंह यादव ने अभ्यास कराया। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र पर सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, उप सरपंच युगल किशोर ब्यास और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गौरी गोस्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर फूल माला का अर्पण किया और तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित किया। वहीं रेडियो पर सीधा प्रसारण शुरू होते ही सभी विद्यार्थी और शिक्षक सूर्य नमस्कार की मुद्रा में रहकर कार्यक्रम को सम्पन्न कराया। इस सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को सम्पन्न करने के लिए नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। इस खास मौके पर मंच का संचालन शिक्षक जगदीश श्रीवास्तव ने किया और इस तरह ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धीरे धीरे आगे चुकी है, हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए, दाया पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि, 6, अष्टांग नमस्कार, हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी, 8 अंग, 2 पैर 2 घुटने 2 हाथ, छाती और ठुड्डी, अष्टांग नमस्कार, 7, 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, 8, पूरा पर्वतासन, नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान, 9, अश्व संचालन आसन की स्थिति पुनः, अपने बाएं पैर को हमने आगे लिया है, 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन, सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास, 11, हस्तोत्तानासन, 12, 1 चक्र समाप्त हुआ, हाथों के नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।